Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. Friends, I, Prashant Lakhani, again welcomes you in the world of economics, SYSE, Commerce and Arts, Chapter 1, Part 5. Till now, friends, we have covered the topic of meaning, definitions, features, importance and scope of microeconomics. Today, we are going to start with our second part of chapter 1, that is macroeconomics. Friends, let me clarify the great difference between microeconomics and macroeconomics. जब हम ये समझना चाहे, तो we have to consider some of the hypothetical examples. Microeconomic depends on some conditions, that is assumptions. Macroeconomics always talk about reality, practicality. हम यहाँ पे कोई assumptions की बात कभी नहीं करेंगे. Microeconomics हर वक्त ये बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा. If and but, if and so, पर macroeconomics ऐसी किसी चीज को consider नहीं करेगा. Friends, remember one thing. माइक्रो ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एंड फ्यूचर, जबकि मैक्रो ऑलवेज कंसिडर प्रेजेंट मोड. वो पास्ट और फ्यूचर को कभी कंसिडर करने की सोचता ही नहीं है. हम इसमें सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल को कवर कर पाएंगे जो प्रैक्टिकली रियलिटी में हो चुके हो, जो प्रेजेंट की बात हो. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इस बात को समझने के लिए चलो एक एग्जांपल समझने की ट्राई करते हैं. फ्रेंड्स, एक हाईवे टच 15 माले का एक बिल्डिंग था. चार फ्रेंड्स थे, चारों के पास इंटरकॉम सिस्टम था. एक फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर, एक फ्रेंड फिफ्थ फ्लोर, एक फ्रेंड 10th फ्लोर और एक फ्रेंड टॉप 15th फ्लोर पे जाके खड़े हो गए. शुरुआत में सबसे पहले 15 फ्लोर वाले ने एक मैसेज क्लियर किया कि मुझे एक कार स्पीड में आती हुई दिख रही है. 10th फ्लोर, 5th फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वाले मैसेज छोड़ा कि हमें नहीं दिख रही है. थोड़ी देर के बाद 10th फ्लोर वाले ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी दिख रही है, ये कोई स्मॉल फैमिली कार है. 5th फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ने कहा, हमें अभी भी नहीं दिख रही है. थोड़ी देर के बाद 5th फ्लोर वाले ने मैसेज छोड़ा, हाँ हाँ अब तो मुझे भी दिख रही है, ये तो मारुति सुजुकी कंपनी की कार है. ग्राउंड फ्लोर वाले ने सोचा कि ये तीनों को दिख रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रही. वो गेट के पास आके खड़ा हो गया और आफ्टर सम टाइम उसको भी ये कार दिखी. विद इन 20 सेकंड्स कार उसके सामने आके जूम करके निकल गई. उसने डिटेल में देख लिया कि कार में कितने लोग बैठे थे, ड्राइवर ने कौन से कपड़े पहने थे, कार का नंबर क्या था, कार का कलर क्या था, हर एक चीज डिटेल में स्टडी किया और मैसेज छोड़ दिया कि मुझे कार दिखी थी. थोड़ी देर के बाद 5th फ्लोर वाले ने कहा, मुझे भी कार दिखी थी. आफ्टर सम टाइम 10th फ्लोर वाले ने ऑल्सो डिक्लेयर किया कि मुझे भी कार दिखी थी. 15th फ्लोर वाला बोल रहा है, मुझे अभी भी कार दिख रही है. फ्रेंड्स, मैं क्या कंपेयर करना चाहता हूं, ग्राउंड फ्लोर वाले के हिसाब से जस्ट थिंक कि उसके लिए कार दिखेगी और कार दिखी थी ये बहुत लंबे टाइम के लिए था और कार दिख रही है इट वॉज जस्ट फॉर 20 सेकेंड्स. 15 फ्लोर वाले के लिए आप सोचिए तो कार दिख रही है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस रहा, उसे काफी लंबे वक्त तक प्रेजेंट में कार दिख रही है. फ्रेंड्स, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये कभी कोई छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहेगा. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. हियर लेट मी इंट्रोड्यूस द वे ऑफ कंपेरेटिव स्टडी मेथड. फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग में हमने कहा था कि इट स्टडीज अबाउट बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म्स, पर्टिकुलर कमोडिटीज एक्सेट्रा. यहां पे हम बोल पाएंगे कि द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड
macros, which means large. So what does it mean? So macroeconomic studies about the behavior of the economy as a whole and not one part of the economy. हम ये नहीं बोलेंगे कि मुंबई डेवलप हो रहा है, हम ये बोल पाएंगे कि पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है, या तो पूरी इंडियन इकोनॉमी बूम पे चल रही है या तो पूरी इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है. हम ये नहीं बोलेंगे कि मुंबई डेवलप हो रहा है और दिल्ली रिसेशन में है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, सच एज नेशनल इनकम. मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इनकम सोचेगा कि पर मिनट में क्या कमाता हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट नेशनल इनकम. आज की तारीख में इंडिया की एक साल की इनकम करीब करीब, डियर फ्रेंड्स, करीब करीब 185 लाख करोड़ के आसपास है. इन दिस कोविड 19 सिचुएशन ऑल्सो इट्स नियर टू 185 लाख करोड़. इट्स नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की एक साल की कमाई. एग्रीगेट डिमांड, पूरे साल में पूरी कंट्री के मिलकर जो डिमांड करते हैं. एग्रीगेट सप्लाई, पूरे साल में पूरी कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हैं. टोटल एम्प्लॉयमेंट, मेरे पास कितना काम है डजंट मैटर, लोगों के पास कितना काम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज द मैटर. फ्रेंड्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, आपके घर पे आपके पॉकेट में कितना सेविंग मनी है डजंट मैटर, पूरी इंडिया के अंदर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी. जनरल प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई. फ्रेंड्स, माइक्रो कभी महंगाई वर्ड तक नहीं पहुंच सकता. अवर इन्फ्लेशन रेट, इट्स नियर टू 8%. तो पूरी इंडिया में महंगाई का जो रेट होता है उसका एवरेज निकालना होता है, दैट इज जनरल प्राइस लेवल. हम इन सब चीजों को स्टडी करेंगे. हम ये बोल सकते हैं इसका मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द एग्रीगेट्स, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स. इन शॉर्ट, वी शुड कंपेयर लाइक दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कहा था कि वी एग्जामिन द ट्रीज एंड नॉट द फॉरेस्ट. यहां पे हम कह पाएंगे कि वी एग्जामिन द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज. अगर हमें किसी एक पेड़ को समझना हो तो जहां पे बंच ऑफ ट्रीज हो वहां तक तो जाना पड़ेगा. एंड देयर इज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स, ईगल पंछी जो होता है ना, वो जब अपनी ऊंची उड़ान भरता है आसमान में, तो उसकी जो उड़ान होती है, इट्स नॉट अ फ्लाई, इट्स अ सोर. ये एक बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है, सोर. और उस हाइट से वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे शिकारों को पकड़ने के लिए वो कभी जमीन पे आता ही नहीं है. वो उतनी हाइट से उसका जो आई विजन होता है, बर्ड आई व्यू जो होता है, उसकी हेल्प लेकर जहां पे ग्रीनरी ज्यादा हो वो वहीं पे नीचे आएगा और अपना शिकार लपक के वापस ऊपर चले जाएगा. तो देट इज द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो देट वॉज द टॉपिक, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ आवर सेकंड पॉइंट फॉर टूडे इज डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फ्रेंड्स, जो पहला डेफिनेशन है प्रोफेसर कैरी शैपिरो का दिया हुआ, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक वक्त में अपनी कंट्री में एक साथ, फ्रेंड्स, बहुत कुछ चलते रहता है, बहुत कुछ. कहीं पे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होती है तो कहीं और फुटबॉल की मैच चल रही होती है, कहीं पे हम मिलिट्री के लिए, एविएशन के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, कहीं पे साइक्लोन की तैयारी चल रही होती है. अभी अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो कहीं पे साइक्लोन की आगाही है, कहीं पे लॉकडाउन 4 कंटिन्यू है, कहीं पे उसको कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में रियायत देकर खोलने की बात हो रही है. तो वी हैव टू फंक्शन ऑल टूगेदर. किसी एक चीज को लेकर दूसरी सभी चीजों को रोक दिया जाए, इट्स नॉट पॉसिबल इन इकोनॉमिक्स. तो देयर इज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. हमें ये सब चीजें एक साथ कवर करनी पड़ती है. अकॉर्डिंग टू के ई बोल्डिंग,
macroeconomic deals, not with individual quantities, but with aggregates of these quantities, not with individual income, but with national income, not with individual price, but with general price level, and not with individual output, but with national output. अगर हम इस पूरी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि के ई बोल्डिंग का जो तरीका है डिफाइन करने का वो ये है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ को स्टडी करें, उससे पहले ये समझ लें कि हम किस चीज़ को स्टडी नहीं करें. लेट मी क्लेरिफाई इट. अकॉर्डिंग टू हिम मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी. कोई एक फैक्ट्री में मास्क का प्रोडक्शन कितना होता है डजंट मैटर. पूरे इंडिया में मास्क का प्रोडक्शन कितना कर पाते दैट इज इंपॉर्टेंट. नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम. मेरे अकेले का इनकम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, मेरे करोड़पति हो जाने से आप सब लोग करोड़पति हो जाएंगे ऐसा नहीं होता. पर अगर नेशनल इनकम अच्छी है, अगर हर कोई करोड़पति है, इट मीन्स कि मैं भी करोड़पति हुई हूं, तो डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम. इट डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल. कभी ऑटो रिक्शा का भाड़ा बढ़ गया, कभी दूध का भाव 2 रुपये पर लीटर बढ़ गया, कभी पेट्रोल 3 रुपये पर लीटर महंगा हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीजों से लाइफ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स. हाँ, बट जनरल प्राइस लेवल देयर इज इन्फ्लेशन रेट. जस्ट आई टोल्ड यू कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है नियर टू 8%. फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे जैसी कंट्री, ब्राजील जैसी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है नियर टू 35%, 45%. ये फर्क समझने ऐसा होता है कि जहां पे हर चीज महंगी लग रही, तो दैट इज जनरल प्राइस लेवल. सो मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल. नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट. पूरी कंट्री एक साल में एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक जो कुछ प्रोड्यूस कर पाए, वॉट एवर वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम वन सिंगल नीडल टू वन सिंगल एरोप्लेन, वॉट एवर, ये सबको एक साथ एवरेज निकाल के गिनना, देयर इज नेशनल आउटपुट. सो देयर इज अ टॉपिक ऑफ डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी आर ऑन द टॉपिक स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमें यह समझना होगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट स्टडी करने की बात करें वो हमें कहाँ कहाँ काम लगे, ये किस हद तक हमें स्टडी करने में हेल्प कर सकता है. अवर फर्स्ट पॉइंट फॉर स्कोप इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. डियर फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ टू डिटरमाइन डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज व्हाट आर द कॉजेस विच कैन फ्लक्चुएट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. लेट मी एक्सप्लेन इट विथ वन एग्जाम्पल. जिस कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा होता है वहां पे रोजगार के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी तो उनका इनकम बढ़ा होगा, तो उतना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दे नीड मोर वर्कर्स. फ्रेंड्स, ये दोनों चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, और अगर कोई एक चीज में फर्क आएगा तो उसकी इफेक्ट दूसरे पे डेफिनेटली दिखाई देगी. अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नीचे आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उस कंट्री का नेशनल इनकम नीचे दिखाई देगा. पर बहुत बार इसमें बहुत अदर फैक्टर्स भी कनेक्टेड होते हैं, अफेक्टिंग होते हैं. अगर आज से 20 साल पहले इंडिया से कोई मुझे बोलता कि सर मैं भी अमेरिका जाके कमाना चाहता हूँ, तो मैं बोलता जा बेटा जा, जी ले तेरी जिंदगी. पर आज अगर कोई बोले कि सर मैं अमेरिका जाके कमा लूँ, अमेरिका जाके कमा लूँ ये सुनने में आज अच्छा लगता है. फ्रेंड्स,
अमेरिका में एवरी ईयर नियर टू 1 लाख पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड एवरी ईयर। अगर हम लेटेस्ट सिचुएशन अभी की बात करें, इस क्रिटिकल सिचुएशन की बात करें फ्रेंड्स, अब तक अमेरिका में, आई रिपीट माई वर्ड, अब तक अमेरिका में नियर टू 80 लाख पीपल हैव डिक्लेयर्ड कि दे आर अनएम्प्लॉयड, जो इंडिया में अब तक नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को जब कंपेयर करना हो, स्टडी करना हो, तो वी नीड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन लेवल पे डिस्कशन नहीं कर सकता। दैट वॉज द पॉइंट, थियरी ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, अवर सेकेंड पॉइंट इज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जस्ट बिफोर सम टाइम आई टोल्ड यू जनरल प्राइस लेवल। फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू स्टडी, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स एंड हाउ दे डिटरमाइन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन हम गिनते कैसे होंगे, इसके तौर तरीके क्या, इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन, कुछ इंडेक्स नंबर जैसे टॉपिक की हेल्प लेनी पड़े, ऑफकोर्स यस। इन चीजों को समझना उतना आसान नहीं होता फ्रेंड्स। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हम जरूर ये सुनते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अपने पेरेंट्स भी बार बार बोलते होंगे कि उनके जमाने में इतना महंगाई नहीं था। फ्रेंड्स, द फैक्ट इज इन द ईयर ऑफ 1991 द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया वॉज मोर देन 10%। सो इन द ईयर ऑफ 1991 इन इंडिया द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 10% एंड फॉर सम टाइम इट रीच्ड अप टू 17%, बट एट प्रेजेंट वी आर नियर टू 8%। तो भी हम ये सुनते हैं कि उस वक्त ज्यादा महंगाई थी, सॉरी, इस वक्त ज्यादा महंगाई है। नहीं फ्रेंड्स, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन अवर लाइफस्टाइल जिसकी इफेक्ट जनरल प्राइस लेवल पे होती है। 20 साल पहले स्कूल कॉलेज की कैंटीन में एक समोसा 50 पैसे का मिलता था, और वो भी काफी बड़ा कि एक खाया तो पेट भर जाए, और चटनी फ्री 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 अनलिमिटेड। और उस वक्त मोबाइल का एक फोन आउट गोइंग कॉल चार्ज पर मिनट इट वॉज नियर टू 12 रुपीज पर मिनट आउट गोइंग कॉल चार्ज। आज टोटल सिचुएशन इज रेसिप्रोकल फ्रेंड्स। आज एक समोसा 12 रुपए के ऊपर हो गया और मोबाइल का आउट गोइंग कॉल चार्ज नियर टू 50 पैसे हो गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आवर थिंकिंग ऑफ लाइफ, आवर लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डज मैटर। उस जमाने में लोगों को लगता था कि पेट भर के समोसा खा लेना चाहिए, मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा। आज हमें लग रहा है कि पूरा दिन भूखा रहेगा तो चलेगा, मोबाइल तो चाहिए। अगर एक दिन के लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल हो गया तो बेचैनी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। एक दिन के डेटा पैकेज नेट खत्म हो गया तो बेचैनी बढ़ जाती है, ऐसा लगे जग सूना सूना लगे। तो देट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। तो महंगाई बढ़ी नहीं है फ्रेंड्स, महंगाई तनाव हुई है। ऐसी सब चीज़ों को समझने के लिए वी नीड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देट इज अवर सेकेंड पॉइंट ऑफ थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अवर थर्ड पॉइंट इज थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स शोज एंड हेल्प टू स्टडी टू एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एंड इट ऑल्सो सजेस्ट सम स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम दिस सिचुएशन। हाँ, ये अच्छा है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि गरीबी दूर करने के लिए वो कुछ स्ट्रेटेजी देते हैं। ये कितना इम्प्लीमेंटिंग होता है, कितना इफेक्टिव होता है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझा सकता है कि गरीबी का लेवल क्या है। फ्रेंड्स,
आउट ऑफ 135 करोड़ ऑफ अवर पॉपुलेशन, आज भी इंडिया में नियर टू 40 करोड़ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। फ्रेंड्स, आज भी नियर टू 20 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर अर्निंग लेस देन, आई रिपीट, दे आर अर्निंग लेस देन 100 रुपीज पर डे। उनकी इनकम 100 रुपए से भी कम है, एक दिन की कमाई तो महीने का लेस देन 3000 रुपीज। फ्रेंड्स, इतने का तो मुंबई में एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ महीने भर का नाश्ता, फ्रेंकी, पास्ता और मोबाइल का डेटा पैक उसमें खत्म कर देता होगा। तो इन चीजों को जब समझना हो तो अंडर डेवलपमेंट, यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने आप में उतना स्पीड में नहीं है, एंड दैट इज वाई हम ये इफेक्ट दिख रही है। अगर आपके पास लेटेस्ट नॉलेज हो तो पिछले कुछ दिनों में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात हुई उसमें आप देखें कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा, इसलिए अगर आपने कभी सुना हो न्यूज में, मनरेगा पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो वर्कर्स काम करेंगे उनको हम एक्स्ट्रा 90,000 करोड़ रिजर्व रख देंगे, 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा और पे कर देंगे, ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट ही गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम गरीबी दूर करना चाहते हैं तो वी हैव टू गेट द वे फॉर डेवलपिंग प्रोसेस, और वही सब पॉलिसी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। देखो फ्रेंड्स, इसमें ये समझना कि आपको सुनकर थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, पूरी इंडियन इकोनॉमी में टोटल जो करेंसी अवेलेबल है, रुपीज 2000, रुपीज 500 सिटी नोट्स अवेलेबल है, इट इज जस्ट 14 लाख करोड़ करेंसी अवेलेबल है, तो मोदी 20 लाख करोड़ कैसे डोनेट कर देगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सब चीजों को समझने के लिए वी नीड स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ ऐसी पॉलिसी के थ्रू डेवलपमेंट लाने की बात है, तो 20 लाख करोड़ के डेवलपमेंट की बात है फ्रेंड्स, डोनेशन की बात नहीं है। इट्स अ ग्रेट डिफरेंस, तब जाके हम गरीबी से लड़ सकते हैं। दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आवर लास्ट पॉइंट फॉर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी पॉइंट है टू अंडरस्टैंड। मैक्रो इकोनॉमिक शोज द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। व्हाट डज इट मीन? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, इस एक साल में हमने जितना भी लैंड यूज किया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी लैंड यूज किया उसका जो रेंट है वो गिना जाए, जितने भी लेबर्स को काम पे बुलाया उनके जो वेजेस पे किए वो गिना जाए, जितना भी कैपिटल काम पे लगाया उसका जो इंटरेस्ट है वो गिना जाए, जितने भी बिजनेसमैन ने अपने एफर्ट्स काम पे लगाए उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गिना जाए। तो दैट इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना आपकी कंट्री में अमाउंट ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ज्यादा, उतना नेशनल इनकम का अमाउंट ज्यादा, उतना आपका डेवलपमेंट ज्यादा, उतना ग्रोथ ज्यादा, उतनी तरक्की स्पीड पकड़ती है, और वहां से डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और लोगों की इनकम बढ़ती है। तो इट्स अ ग्रेट इकोनॉमिक साइकिल विच वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फाइनली, इन अवर टूडे सेशन वी हैव कवर्ड मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद दिस टाइप्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन एंड ग्रेट फीडबैक। प्लीज गिव फीडबैक फॉर दिस लेक्चर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। सून आई अप्रोच यू अगेन।